टेम्परेचर, किस टेम्परेचर में ये रहते हैं, आप इनको कितना जो है वो सिक्योर रखते हैं? इस वक्त सर्दी इतनी शदीद है कि इंसान क्या, चरिंद परिंद क्या, सभी जो है वो सर्दी से परेशान है, इवन के स्मोक से परेशान है। स्मोक से भी परिंदे बीमार हुए, यहाँ तक जो है वो सिर्फ इंसानों की हम बात नहीं कर सकते, परिंदे भी इससे बहुत ज़्यादा जो है वो डैमेज हुए। तो आप इन लव बर्ड्स को किस तरह कवर करते हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बेचारे बड़े सेंसिटिव हैं, इनका नाम ही लव बर्ड्स है तो वो सेंसिटिव से ही होंगे, प्यारे प्यारे मासूम से परिंदे, तो इनको किस तरह केयर करते हैं फिर इनकी? अच्छा, इसमें हाउसिंग जो है ना जी, जो जहाँ जो आपका बर्ड रूम है या जिसको हम एवरी कहते हैं, बर्ड एवरी, अच्छा। वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर तो आप थोड़ा सा प्रोफेशनली उसको कर रहे हैं तो आप उसको डिज़ाइन कर लें। अगर आप उसको डिज़ाइन नहीं कर रहे, आप जस्ट दो चार पेयर से घर में स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो भी कोई ऐसा रूम आउटडोर ना हो आइडियली, क्योंकि बड़ा शरारती बर्ड है, केजेस से बाहर निकल जाता है तो आपका एक एक्सपेंसिव बर्ड उड़ भी सकता है। तो एक ऐसा रूम जहाँ पे सनलाइट थोड़ी बहुत आ जाए, वेंटिलेशन अच्छी हो, वहाँ भी इसको रख सकते हैं। टेम्परेचर, इट्स अ हार्डी बर्ड। अच्छा, ये ज्यादातर आप इसको बंद नहीं रख सकते, इसको खोलना पड़ता है? नहीं, ये अपने केज में ही रहता है, जो भी आप इसको केज अच्छा। देंगे, बड़े नॉमिनल साइज का केज है वो, अच्छा। उस वीडियो में नजर आ रहा था, ठीक है, उसमें उसी में ही ये रहता है, उसी में ये ब्रीड करता है। और इसका टेम्परेचर में, इट्स अ हार्डी बर्ड, दो इट्स लव बर्ड लेकिन स्टिल हार्डी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता, लेकिन आइडियल टेम्परेचर फॉर ब्रीडिंग इज समवेयर अराउंड 18 डिग्री टू 22 डिग्री, समवेयर अराउंड हम यहाँ पे इसकी ब्रीडिंग सीजन में जो है वो ब्रीड लेते हैं। अच्छा। और जैसा कि अब ब्रीडिंग सीजन इसका सितंबर से शुरू हो जाता है और मार्च तक तकरीबन 6 महीने ये बर्ड ब्रीड करता है। अच्छा, ठीक है, तो 6 महीने बाद जो है वो इसकी एक नई नस्ल जो है वो आती है सामने, और उसमें क्या चेंजिंग्स आप देख रहे हैं कि जो इस वक्त आप ब्रीड पाकिस्तान में करवा रहे हैं उसमें आपको चेंजिंग क्या नज़र आई है, कि जो बाहर से आपने ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया या कनाडा से मंगवाया या वट एवर, जहाँ से भी आप कहते हैं कि आता है, तो वहाँ से जब ये यहाँ पर आता है और फिर ये जब पाकिस्तान में जब ये चीज़ आती है सामने, तो उसमें फ़र्क क्या होता है? पाकिस्तान का वेदर, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान में चारों सीजन है, तो हमारा बर्ड यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दैट बर्ड हैज़ टू गो थ्रू ऑल द वेदर्स अराउंड द ईयर, तो उसमें हमारे बर्ड्स के कलर्स ज़्यादा खूबसूरत है। इसीलिए जो मैं आपसे अभी बात भी कर रहा था इस पर, कि पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी जो ब्रीडर्स हैं उनके बर्ड्स की बहुत डिमांड है, लाइक ओमान के अंदर, UAE के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, ये सारी गल्फ हमारे रीजन जो है ये पाकिस्तान की बहुत हाई इन डिमांड मार्केट है। और आई वाज द फर्स्ट ब्रीडर, एज अ ब्रीडर मैंने ओमान के अंदर बर्ड्स एक्सपोर्ट की, और मैं ये चाह रहा हूँ और आपके प्रोग्राम के उससे भी मैं इस चीज़ को करूँ कि ये इस बर्ड का बहुत पोटेंशियल है, कि पाकिस्तान का जो एक VN है जो हम एक्सपोर्ट पे फोकस कर रहे हैं और इम्पोर्ट को थोड़ा सा हम डिस्करेज कर रहे हैं, तो इट्स वन ऑफ द गुड प्रोडक्ट जिससे पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छे जो है ना वो हम ज़रे मुबादला लेके आ सकते हैं, और पाकिस्तानी मार्केट्स दुनिया के अंदर एक और नई फील्ड के अंदर भी हम उसको रिकग्नाइज करवा सकते हैं।